आज हम CGVAPAM के अंतर्गत होने वाले पटवारी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस पेपर भाग दो लाए हैं। इससे पहले हमने भाग वन लाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। इसमें हमने पटवारी एग्ज़ाम की तरह ही सभी पार्ट्स को इंक्लूड किया है। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारा पहला पार्ट है कंप्यूटर, जिसके अंतर्गत 20 प्रश्न हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? जिसके ऑप्शन हैं एट्रिस, एनियक, टैंडी, नोवेला। तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? एनियक। तो ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 12 दिसंबर या फिर 2 दिसंबर। तो कंप्यूटर के साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला, निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या फिर PDA। गोद में रखने लायक जो होता है वह कहलाता है नोटबुक। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? इसके ऑप्शन हैं सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। हमारा अगला सवाल है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? जिसके ऑप्शन हैं प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी का या फिर चतुर्थ पीढ़ी का। माइक्रो प्रोसेसर जो है चतुर्थ पीढ़ी में आया था। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? ऑप्शन है चार्ल्स बैबेज ने, सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने या फिर JS किल्बी ने। तो IC चिप जो है इसका विकास जो है JS किल्बी और रॉबर्ट नोई ने किया था। ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल लिखते हैं अब, निम्न में से तेज कौन सा है? जिसके ऑप्शन है रजिस्टर, CD-ROM, RAM या फिर केज। तो सबसे तेज जो होता है वो है रजिस्टर। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 GB या 1 GB में कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 GB, 1024 TB, 1024 MB, 1024 KB। तो 1 GB जो है 1024 MB से बना होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। GB से बड़ी इकाई TB होती है और छोटी इकाई MB, और MB से छोटी इकाई होती है KB। अगला देखते हैं, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, CPU द्वारा, पेरिफेरल द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CPU के द्वारा। अगला, CPU का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट। तो CPU में ये तीनों भाग पाए जाते हैं। हमारा अगला सवाल है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न या फिर औसत। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, मतलब ऑप्शन ए सही है। अगला है, पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है, कंप्यूटर की एक इकाई है, कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर का एक प्रकार है। तो पास्कल जो है कंप्यूटर का एक भाषा है।
ऑप्शन ए सही है। हम अगला देखते हैं, छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पायलट, लोगो, सी या फिर कोबोल। तो ग्राफिक से शिक्षा देने के लिए बच्चों में लोगो लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। अगला, एक CDR को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, वोरू, वॉम, वर्ल्ड, VMRO। तो एक CDR को जो है वॉम के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखते हैं, एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है? लाइंस तथा स्पेसेस में, लेयर्स तथा प्लेन्स में, हाइट तथा विड्थ में, रो तथा कॉलम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्प्रेडशीट में डाटा जो है रो और कॉलम में डिवाइडेड होते हैं, जिनको सेल कहा जाता है। ऑप्शन डी ये सही होगा। अगला, निम्न में से कौन सी DBMS का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है SQL सर्वर, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो DBMS का उदाहरण नहीं है बोला है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आउटलुक, क्योंकि एक प्रकार का आउटलुक जो है ये एक ऐप है जो चैटिंग के लिए यूज किया जाता है। अगला, एक एल्गोरिथम जिससे गलत परिणाम निकलते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सिंटेक्स एरर, कंपाइल एरर, लॉजिकल एरर, प्रोसीजरल एरर। तो इसका जो राइट आंसर है लॉजिकल एरर कहलाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इंटरकॉम, इंटरनेट, ईप्रोम या फिर इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेस। अगला, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? फर्मा प्रोग्राम, यूथ प्रोग्राम, स्रोत प्रोग्राम या फिर लूप प्रोग्राम। तो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है, और जिससे हम प्राप्त करते हैं वो कहलाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? विंडोज, टाइम शेयरिंग, MS-DOS, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, टाइम शेयरिंग के थ्रू वो यूजर जो है कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। कंप्यूटर पार्ट्स खत्म हो गया, अब हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे। पहला प्रश्न है हिंदी का, निम्न में कर्मधारय समास किसमें है? ऑप्शन है चतुर्युग, चक्रपाणी, नीलोत्पल या फिर माता पिता में। तो नीलोत्पल में यहाँ पे कर्मधारय समास है। अगला, दिए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, आत्मजा, कन्या, नंदिनी या फिर भार्या। देखिए इन सभी में आत्मजा, कन्या, नंदिनी एक जैसा है जबकि भार्या अलग है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला है, स्त्री रत्न शब्द का सही समास विग्रह होगा, स्त्री जैसी रत्न जैसी स्त्री, स्त्री जैसा रत्न, स्त्री रूपी रत्न, रत्न रूपी स्त्री। तो इसका जो सही आंसर है, स्त्री रत्न का समास जो होगा रत्न रूपी स्त्री। अगला, संकर शब्द का संधि विच्छेद है, समधनकर, इस्मधनकर, शमधनकर, समधरकर। संकर जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समधन कर, ऑप्शन ए। अगला है, भोजन करने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जिघृक्षा, जिघत्सा, जिघीषु, जिघांसा। तो भोजन करने की इच्छा को कहते हैं
सा ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, निम्न में से किस विकल्प में विलोम युग्म शब्द है शुद्ध है। ऑप्शन है ईश अनिश, पूर्ण अपूर्व, नित्य अनश्वर, निंद्य अनिद्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ईश का होता है अनिश। ईश मतलब होता है भगवान और अनिश मतलब होता है राक्षस, इसलिए यही शुद्ध विलोम है। कैंची किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है तुर्की, हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है, कैंची जो है तुर्की भाषा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भौंकते कुत्ते को रोटी का टुकड़ा लोकोक्ति का भावार्थ है। घरेलू शत्रु प्रबल होता है, विरोधी को लालच देकर चुप करना, आजकल पैसा ही सब कुछ है, ऊपर से मित्रता अंदर धोखेबाजी करना। तो भुकते कुत्ते को रोटी का टुकड़ा का भावार्थ जो है, विरोधी को लालच देकर चुप करना है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला है, नींद में से किस विकल्प में कारक संबंधी अशुद्धि है। बंदर पेड़ पर बैठे हैं, गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखो, आप किस रेल से आए हैं, आम बजट के ऊपर बहस होगी। तो ऑप्शन डी ही हमारा गलत आंसर है, क्योंकि आम बजट के ऊपर, यहाँ ऊपर नहीं होता, आम बजट पर होता है, आम बजट पर बहस होगी। अगला है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गांधी जी को भूला नहीं जा सकता, गत रविवार वह जोधपुर गए जाएगा, हम रात में भोजन खाते हैं, बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया। यहाँ पे हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है और हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया, यही हमारा शुद्ध वाक्य है। अब इंग्लिश का सवाल शुरू होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अप्रोप्रिएट वर्ब, इसमें वर्ब का सही फॉर्म को यूज़ करना है। हर लाइफ इश ब्लैंक फॉर हर पेरेंट्स, यहाँ प्राइस का हमें सही वर्ब का यूज़ करना है, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं प्राइज्ड, प्राइसेस, प्रीशियस, प्राइसफुल। तो हर लाइफ इज फॉर हर पेरेंट, तो हर लाइफ इसके बाद यहाँ ऑप्शन हो जाएगा प्रीशियस, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन, ऑप्शन है नॉन्स, पन, टायरो या फिर वांडा। तो जो नया नया प्रोफेशन में आता है उसको क्या कहते हैं, टायरो, ऑप्शन सी सही है। अगला है, सिनोनिम ऑफ डॉज, ऑप्शन है डिस्पेयर, एल्यूड, मिसलीड, कंफ्यूज। तो सिनोनिम ऑफ डॉज जो है, इसका सही अर्थ है एल्यूड। अगला है, यूज अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन। वी इंटर द रूम, वी इंटर द ब्लैंक द रूम, ऑप्शन है इन, इनटू, ऑन, नो प्रिपोजिशन, नो प्रिपोजिशन। वी इंटर्ड द रूम, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनटू। अगला है, स्पॉट द कॉमन एरर। इट इज नॉट सच अ प्रेटी प्लेस दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, यहाँ पे हमें कॉमन एरर बताना है कि इसमें, इस वाक्य में कहाँ पे गलती है। तो ऑप्शन है इट इज नॉट सच ए प्रिटी प्लेस दैट आई हैड एक्सपेक्टेड नो इरर। तो यहाँ पे जो इरर है, दैट आई है एक्सपेक्टेड, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा इरर है। अगला है, चेंज द वॉइस, यहाँ पे वॉइस में चेंज करना है। हैज समबडी ब्रोकन द गेट, जिसके ऑप्शन है हैव द गेट बीन ब्रोकन,
Had the gate been broken by somebody? Has the gate been broken by somebody? Has been the gate broken? तो has somebody broken the gate? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, has the gate been broken by somebody? अगला प्रश्न देखते हैं, फिर से वॉइस में चेंज कर रहे हैं। लेट हिम सी द मूवी, जिसके ऑप्शन है लेट द मूवी बी सीन बाई हिम, द मूवी इज सीन बाई हिम, लेट हिम द मूवी बाई सीन, द मूवी हैव बीन सीन बाई हिम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेट द मूवी बी सीन बाई हिम, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला है चेंज द नरेशन, इसमें नरेशन चेंज करना है। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, जिस ऑप्शन है ही सेड दैट व्हाट आई वाज डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ही सेड व्हाट आई हैड बीन डूइंग, ही आस्क्ड मी दैट वाज डूइंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ऑप्शन बी सही है। अगला है चेंज द नरेशन, अरुण सेज दैट अजय लव्स फुटबॉल, ऑप्शन है अरुण सेड अजय इज लविंग फुटबॉल, अरुण सेड अजय लव्ड फुटबॉल, अरुण सेज अजय लव्ड फुटबॉल, अरुण सेज अजय लव्स फुटबॉल। तो अरुण सेज द अजय लव्स फुटबॉल का राइट आंसर हो जाएगा अरुण सेज अजय लव्स फुटबॉल, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है ड्राइव टू द वॉल, ये एक प्रकार का फ्रेजल है जिसका अर्थ है डेवलपिंग मॉडरेटली कम टू एग्जिस्ट इरेट समवन। ड्राइव टू द वॉल का मीनिंग हो जाएगा इरेट समवन, ड्राइव टू द वॉल का मीनिंग मतलब ये आइडियम है जिसका राइट आंसर हो जाएगा इरिटेट समवन। अगला, यहाँ पे अब इंडियन जीएस शुरू होता है। इंडियन जीएस में पहले ही पार्ट में संविधान है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पर चैनल को देखते रहें। कुछ दिनों में आपके लिए हम करेंट अफेयर लाने के बारे में सोच रहे हैं और पटवारी के एग्ज़ाम के पहले आपको करेंट अफेयर इंडियन और सीजी दोनों मिल ही जाएंगे। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है, ऑप्शन है अनुच्छेद 39(1), 39(2), 39(3) या फिर 39(4)। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 39 के अंतर्गत तो है लेकिन उसमें 39(4) के अंतर्गत आता है। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सी ए जी के बारे में सत्य है, ऑप्शन है भारत का सी ए जी मतलब कैग परीक्षक सिर्फ भारत की संचित निधि का व्यय का लेखा परीक्षा करता है, यह संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा का परीक्षा करता है, सी ए जी केंद्र और राज्य के खातों से संबंधित लेखा प्रतिवेदन राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपते हैं। तो देखिए भारत का जो सी ए जी है भारत की संचित निधि के साथ साथ राज्य की संचित निधि का भी ब्यौरा कर सकता है, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन बी और सी सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला असत्य है, दो और तीन सत्य है। अगला, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है, ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय। तो सीमा प्रबंधन विभाग जो है गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, ऑप्शन बी सही है। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है, यदि वह काम चलाओ रूप में मुख्य में नियुक्त मुख्यमंत्री हो, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, यदि वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना
बहुमत सिद्ध करना शेष हो। तो देखिए, मुख्यमंत्री कब पात्र नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर है, यदि वह राज्य विधानसभा में उच्च सदन का सदस्य हो तभी वह मतदान के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में योगदान नहीं दे सकता। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई? ऑप्शन है 68वां, 61वां, 52वां, 42वां। तो 21 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष, इसका जो राइट आंसर है 61 वर्ष संविधान संशोधन जो 1989 में लाया गया, इस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अगला है, भारत के संविधान से संबंधित निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? वन समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर या बचत बैंक संघीय सूची, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची। तो देखिए, हम देखते हैं वन जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता क्योंकि शेयर बाजार सिर्फ केंद्र में रहता है, इसलिए ऑप्शन बी ही हमारा गलत है, मतलब सही आंसर है सुमेलित, सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है सभी धर्मों की उपेक्षा, धर्म का राज्य से पृथकीकरण, सभी को उपासना करने की स्वतंत्रता, किसी एक धर्म अथवा ईश्वरीय विश्वास का समर्थन न करना। धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो अर्थ है किसी एक धर्म अथवा विश्वास का समर्थन न करना, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की अनौपचारिक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रियों की सलाह से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अनौपचारिक न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश भी बोलते हैं इसी को, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही अनौपचारिक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, यह सिर्फ गणना पूर्ण करने के लिए ही किया जाता है। अगला है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्न में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को। तो ऐसा जो अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति को ही दिया गया है, राष्ट्रपति ही संविधान का प्रमुख सदस्य है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि वह उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कौन कार्य कर सकता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी, भारत के प्रधान न्यायाधीश। तो ऐसे स्थिति में भारत का प्रधान न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, और ऐसे कार्य करने वाले थे, इसका ऑप्शन, इसका जो है आप हमें बताएं कि भारत के प्रधान न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के पद पर कार्य किए, आप हमें कमेंट करके बताएं कि ऐसे कौन थे। अगला है, निम्न में से किस मध्यकालीन ग्रंथ में राजतरंगिणी का उल्लेख प्राप्त हुआ है? तुगलकनामा, आईने अकबरी, बाबरनामा, तुजुके जहांगीर। राजतरंगिणी का उल्लेख जो है तुजुके जहांगीरी में किया गया है। अगला है, न्याय के घंटे और जंजीर के लिए कौन सा मुगल सम्राट प्रसिद्ध है? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर अकबर। न्याय के घंटे और जंजीर के लिए जहांगीर बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला, किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी? ऑप्शन है 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च या फिर 13 मार्च 1930 को। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को किया था। अगला है, भारत में पहली अंग्रेज फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? ऑप्शन है सूरत, हुगली, मुंबई, मद्रास।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूरत, अंग्रेजों ने सूरत में ही पहली फैक्ट्री डाली थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुख सियर या फिर मोहम्मद शाह। तो सैयद भाई बंधुओं का प्रभावशाली जो काल था वो है फर्रुख सियर के समय। अगला, मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1920, 21, 22 या फिर 23 में। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था और इसका सन है 1921। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन में निम्न में से किस सिलसिले का अत्यधिक योगदान है? ऑप्शन है कादरी सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला, सत्तारी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नक्शबंदी सिलसिले की वजह से मुगल साम्राज्य पतन की ओर पहुंचा। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचनाएं शामिल हैं? गुरु नानक अथवा उनके उत्तराधिकारी, शेख फरीद, नामदेव, कबीर तथा रविदास, उपयुक्त सभी। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक, शेख फरीद, नामदेव, कबीर तथा रविदास, इन सभी के रचनाएं शामिल है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला है, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब या फिर उत्तराखंड। पीर पंजाल जो श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है उर्वशी, अप्सरा, मेनका या फिर कर्ण। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है अप्सरा है। अगला है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, भुवनेश्वर, मुंबई या फिर भोपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, इनमें से कोई नहीं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो रेखा विभाजित है उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। अगला है, नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ है? फारस की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या फिर हिंद महासागर। तो नर्मदा नदी का मुहाना, मुहाना का मतलब होता है जहाँ पे वह अंतिम रूप लेती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। सिर्फ भारत में नर्मदा और तापी ही नदी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अगला है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन है गुलर झील, सांभर झील, कोडाईकनाल झील, चिल्का झील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुलर झील, यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा, उद्योग मंत्रालय द्वारा या फिर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। अगला है, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो औद्योगिकरण की शुरुआत जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई, इसलिए हमारा ऑप्शन बी एकदम सही है। अगला देखते हैं, निम्न में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? ऑप्शन है शहरी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, अनुसूचित व्यापारिक बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है और इसमें सामान्य आदमी मतलब कोई भी आदमी खाता नहीं खोल सकता है। यह एक नियामक आयोग है जो अन्य बैंकों का नियमन करता है।
अगला, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्न में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? ऑप्शन है अधिमूल्यन, विमुद्रीकरण, अवमूल्यन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवमूल्यन। अगला है, सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है देश में उद्योगों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध होना। देश में उद्योगों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को अधिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होना। विदेशी मुद्रा का देशी मुद्रा के पूर्व के सापेक्ष में सस्ते में उपलब्ध होना। देश की मुद्रा का अंतर्राज्यीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। तो ऑप्शन डी ही हमारा सही आंसर है, देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना ही सस्ती मुद्रा कहलाता है। अब यहाँ से हमारा छत्तीसगढ़ के सवाल शुरू होता है। अगर आपने पटवारी सैंपल पेपर का पहला भाग अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे चैनल में पहले भाग को जरूर देखें, वहाँ भी इसी प्रकार के प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का, पंचकोसी का केंद्र बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है कुलेश्वर महादेव मंदिर, राजिम राजीव लोचन मंदिर राजिम, गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर, हटकेश्वर महादेव मंदिर रायपुर। पंचकोसी का केंद्र बिंदु जो है राजिम का कुलेश्वर महादेव मंदिर है। अगला सवाल, निम्न में से चिवड़ा पोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? ऑप्शन है कमार, प्रधान, परजा या फिर हलवा। तो चिवड़ा पोहा बनाने वाली जो जनजाति है वह है हलवा। अगला, छत्तीसगढ़ कोरबा जिले में देश के प्रथम एल्यूमिनियम संयंत्र कब स्थापित हुआ? एल्यूमिनियम संयंत्र कब स्थापित हुआ है, जिसके ऑप्शन है 27 नवंबर 1965, 23 फरवरी 1960, 15 दिसंबर 1972, 27 जनवरी 1965। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम संयंत्र बाल्को जिसको कहते हैं यह पूर्व में है और इसका जो स्थापना हुआ था वह नवंबर 1965 में हुआ था। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, छत्तीसगढ़ की वन संसाधन के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए। ऑप्शन है छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर है, छत्तीसगढ़ में आरक्षित वनों का प्रतिशत 43.13% है, छत्तीसगढ़ में संरक्षित वनों का प्रतिशत 40.22 है, छत्तीसगढ़ में देश के कुल टीम का 12% है। देखिए इन सभी में पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो है 1.35 लाख एकदम सही है, आरक्षित वनों का प्रतिशत 43.13% ये भी सही है, संरक्षित वनों का प्रतिशत 40.22 ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन 4 गलत है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारत के कुल टीम उत्पादन का 100% उत्पादन होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तो ऑप्शन सी में 1, 2, 3 तीनों हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, निम्न सूचियों को सम्मिलित कीजिए। ये विवाह वाले हैं, क्रय विवाह, सेवा विवाह, अपहरण विवाह, गंधर्व विवाह। इधर है पारिंघन, लम्सेना, पैसतुर और पोटा। तो क्रय विवाह कहते हैं पारिंघन, सेवा विवाह का अर्थ होता है लम्सेना, अपहरण विवाह का अंश होता है पायसतुर और गंधर्व विवाह होता है पोटा विवाह। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऐसा है, ऐसा ऑप्शन सिर्फ इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही सवाल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कोंडा गांव नामक नगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? केला नदी, नारंगी नदी, महानदी, खारू नदी। तो कोंडा गांव जो है नारंगी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। राजिम मेला, महादेव मेला, डबरा मेला, कुटीघाट मेला। ये कब कब हो सकता है? कार्तिक पूर्णिमा में, रामनवमी में, बसंत पंचमी में या फिर माघ पूर्णिमा में। तो देखते हैं, राजिम मेला जो है माघ पूर्णिमा में लगता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि
क्योंकि सिर्फ ए का जो मिलान है चौथे से ही मिल रहा है। देखते हैं महादेव घाट का मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा में लगता है, सही है। डबरा मेला रामनवमी में लगता है, ये सही है। कुटी घाट का मेला पसंद तीन, इसलिए ऑप्शन डी ही हमारा सही सवाल होगा, सही आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। ऑप्शन है मूरिया, नगेशिया, उरांव या फिर अबुझमाड़ी। विशेष पिछड़ी जनजाति जिसको कहते हैं, इसमें ऑप्शन में आएगा अबुझमाड़ी। अगला है, दमनश नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। मुरिया, कोरवा, गाँव या फिर बैगा। तो दमनच नृत्य लोग उरांव जनजाति के लोग किया करते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र किस नलवंशी शासक से संबंधित है। ऑप्शन है अर्थपति, भवदत्त, भीमसेन द्वितीय, इष्कन वनवर। तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र जो है भवदत्त वर्मन से संबंधित है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरज नहीं मरे किसकी रचना है। ऑप्शन है नारायण लाल परमार, बलदेव प्रसाद मिश्र, हरिहर वैष्णव, हीरा लाल काव्य उपाध्याय। सूरज नहीं मरे जो है नारायण लाल परमार ने लिखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्योत्सव पर चक्रधर सम्मान दिया गया, मतलब 2021 में, 2021 में, क्योंकि 22 तो चल रहा है, 22 कभी मिला नहीं है। तो 2021 में राज्योत्सव पर चक्रधर सम्मान दिया गया है। ऑप्शन है प्रभंजन चतुर्वेदी, सुनील तिवारी, काशीराम साहू एवं रेखा देवाल, हृदय प्रकाश अनंत एवं अमोल दास टंडन, ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह और कुमार शमीम रहमान। तो चक्रधर सम्मान जो है प्रभंजय चतुर्वेदी और सुनील तिवारी को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राज्योत्सव पर संस्कृत भाषा सम्मान दिया गया है। ऑप्शन है कल्पना देशमुख, त्वयनिधि वैष्णव, मृणाल पांडे, नंद किशोर तिवारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, त्वयनिधि वैष्णव को संस्कृत भाषा सम्मान दिया गया है। अगला है, कौन सा कथन असत्य है। यहाँ हमें अब असत्य कथन बताना है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। 2010 में किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में स्थापित किया गया, एकदम सही सही है। 2014-15 में छत्तीसगढ़ में कृषि यंत्रीकरण पर सब मिशन योजना प्रारंभ की गई, ये भी सही है। 2014-15 से छत्तीसगढ़ में शून्य ब्याज पर कृषि ऋण दिया जा रहा है, ये भी सही है। लवाहंडी रिसर्च फार्म रायपुर की स्थापना 1980 में हुई थी, ये गलत है, क्योंकि लवाहंडी रिसर्च फार्म की स्थापना 1903 में हुई है, ऑप्शन डी हमारा असत्य कथन है। अगला है, सिलियरी नदी पर कौन सी परियोजना निर्मित है। ऑप्शन है गंगरेल बांध, माडुम सिल्ली जलाशय, रुद्री पिकअप पियर, दुधवा जलाशय। तो सिलियरी नदी पर माडुम सिल्ली जलाशय है और यह एशिया का प्रथम साइपन बांध है। अगला प्रश्न है, बोधघाट परियोजना में कौन सा जिला लाभान्वित नहीं है, जिसके ऑप्शन हैं दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर। बोधघाट परियोजना जो है कांकेर राज्य, कांकेर जिला लाभान्वित नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं, किन दो काकतीय भाइयों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ है। ऑप्शन है दलपत देव, महिपाल देव, अजमेर सिंह, दलपत देव, दरिया देव और अजमेर सिंह, करणवीर और अर्जुन देव। काकतीय भाइयों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, यह दरिया देव और अजमेर सिंह के मध्य हुआ था और इसी के परिणाम स्वरूप कोटपाड़ की संधि हुई है और हलवा विद्रोह हुआ था, जिसके पश्चात काकतीय साम्राज्य समाप्त हो गया। अगला है, कलचुरी वंश का राजा कल्याण रतनपुर राज्य का शासक था, कारण मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में उल्लेख है। ऑप्शन है कथन एवं कारण दोनों सत्य है, कारण कथन को स्पष्ट करता है, कथन कारण दोनों सत्य है, कारण को स्पष्ट नहीं करता, कथन सत्य है कारण गलत है,
कथन गलत है, कहाँ सत्य है? देखिए कथन जो है, कलचुरी वंश का राजा कल्याण से रतनपुर राज्य का शासक था, सही है। मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में उसका उल्लेख है, ये भी सही है। इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं और उसकी व्याख्या की जाती है, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, देखिए अब यहाँ से करेंट अफेयर उसके पार्ट शुरू होते हैं जिसमें इंडियन और सीजी दोनों करेंट अफेयर शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें। चलिए अब हम चलते हैं करेंट अफेयर की ओर। पहला है, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है नीना गुप्ता, मीनाक्षी लेखी, गीता मित्तल, इंदु मल्होत्रा। तो रामानुजन पुरस्कार जो है नीना गुप्ता को दिया गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक प्रसिद्ध कार्यक्रम है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या फिर उड़ीसा। तो खजुराहो जो है, खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध कार्यक्रम है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला है, 2022 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? ऑप्शन है 83, पुष्पा द राइज, मिमी, KGF चैप्टर 1। फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है पुष्पा द राइज को। अगला देखते हैं, भारत सरकार द्वारा कितने कृषि मंडियों को कृषि बाजार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? 452, 585, 777 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 585। इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में भी कुछ कृषि मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है, राज्य की कुल कितनी कृषि उपज मंडी राशि किसी बाजार से जुड़ने में चित्रांकित की है? देखिए अभी इसी के बारे में बोल रहा था, देखते हैं फिर से। राज्य की कुल कितनी कृषि उपज मंडी या राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने में तो चिन्हांकित की गई है? ऑप्शन है 14, 9, 12 या फिर 28। तो राज्य में ऐसी कृषि मंडियों को संख्या है 14, ऑप्शन ए हमारा सही है। और 14 उपज मंडियों में कुछ उपज मंडियों को आदर्श मंडी के रूप में भी घोषणा की गई है। अगला है, राज्य के पूर्ण जैविक जिलों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा और कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोरिया, पूर्ण जैविक जिलों में है गरियाबंद, बीजापुर और सुकमा। अगला देखते हैं, वर्ष 2021-22 में रागी का समर्थन मूल्य कितना है? ऑप्शन है 1870 रुपये प्रति क्विंटल, 3370 रुपये प्रति क्विंटल, 6300 प्रति क्विंटल, 1960 प्रति क्विंटल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3370 रुपये प्रति क्विंटल रागी का समर्थन मूल्य है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन आदर्श मंडी नहीं है? ऑप्शन है बेमेतरा, धमदरी, कुरुद और कवर्धा। आदर्श मंडी नहीं है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेमेतरा। इसका मतलब धमदरी, कुरुद और कवर्धा में आदर्श मंडी है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौशल्या मातृत्व योजना के तहत द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर कितने हजार रुपये का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है 5000, 5500, 5400 और 4000 रुपये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5000 रुपये। अगला है, राज्य में कुल कितने लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है? 52, 56, 64, 61। लघु वनोपज का समर्थन मूल्य पर खरीदी जो है 61 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। अगला है, हाल ही में योग नरसी की प्राचीन मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? आरंग, रायपुर, मल्हार, बिलासपुर, धनोरा, दुर्ग, ढोलकल, बस्तर। योग नरसी की प्राचीन मूर्ति जो हाल ही में प्राप्त हुई है वह है आरंग के रायपुर से। अगला है, फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा 2 हाईवर्डन जिले में, 10 आकांक्षी जिले में,
उपरोक्त दोनों में या फिर में से कोई नहीं। फोर्टिफाइड चावल का वितरण जो है हाईवर्डन जिले और 10 आकांक्षी जिले दोनों में किया जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं, हाल ही में अरपा महोत्सव का आयोजन 2022 में कौन से जिले में किया गया, जिसके ऑप्शन है बिलासपुर, मुंगेली, गोरेला पेंड्रा मरवाही, जांजगीर चांपा। तो अरपा महोत्सव जो है गोरेला पेंड्रा मरवाही में किया गया। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने छत्तीसगढ़ के किस इंस्टीट्यूट में देश के पहले आइडिया लैब का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन है पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, शंकराचार्य विश्वविद्यालय, सी वी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर। तो शंकराचार्य इंस्टीट्यूट रायपुर में प्रथम आइडिया लैब का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल किस शैक्षणिक वर्ष से प्रारंभ की जाएगी। ऑप्शन है 2021-22 या फिर 23-24 में। तो आत्मानंद हिंदी मीडियम का जो शुरुआत है 2022-23 से, मतलब वर्तमान नए सत्र में किया जाएगा, अभी हाल ही में खुलने वाला है। इसके अंतर्गत 32 हिंदी माध्यम स्कूल खुलेंगे। अगला है, अभिव्यक्ति एप किससे संबंधित है, बलात्श्रम, अभिव्यक्ति की आज़ादी, बालिकाओं को शिक्षा, महिला सुरक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महिला सुरक्षा। अगला है, राज्य में सीमांत की स्थापना के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अधिकार समिति का गठन किया गया है। ऑप्शन है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, मुख्य सचिव अमिताभ जैन। सीमांत की स्थापना के लिए जो उच्च स्तरीय अधिकार समिति का गठन जो है मुख्य सचिव के इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला पिंक गार्डन कहाँ स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन है बिलासपुर, रायपुर, महासमुंद या फिर दुर्ग। पहला पिंक गार्डन जो है बिलासपुर के बिलासाबाई कैंटीन कॉलेज में स्थापित किया जाएगा। अगला है, एक राष्ट्र एक राशन योजना में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ देश कौन से क्रम में है। वन नेशन वन कार्ड योजना में छत्तीसगढ़ का स्थान है 35वां। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला है, छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 की लागू तिथि क्या है। 3 मार्च 2022, 13 अप्रैल 2022, 4 फरवरी 2022, 5 फरवरी 2022। आप हमें इसका आंसर कमेंट में देके बताएं कि फिल्म नीति किस तिथि को लागू होने वाली है। इसके अलावा हम कुछ दिन में आपके लिए एक और पटवारी सैंपल पेपर लाएंगे तथा करेंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको कुछ दिनों में, मतलब पटवारी एग्ज़ाम के पहले मिल जाएंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो, मतलब पुराने वीडियो जो डले हैं उनको देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।